को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का कार्य है और यह शिक्षकों के साथ साथ बच्चों के मनोबल को भी गिराने का कार्य कर रही है। सत्र को अप्रैल से जनवरी माह तक ही दिखाया गया है, जबकि सच्चाई यह है कि बिहार के सरकारी विद्यालयों का शैक्षणिक सत्र अप्रैल से लेकर के मार्च माह तक क्या होता है, उनके द्वारा दो माह की गिनती ही नहीं की गई है। फरवरी और मार्च में भी हम बच्चों को पढ़ाते भी हैं और बच्चों से परीक्षा भी लेते हैं। और बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा कल पुनः प्रेस नोट जारी करके बिहार की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि वो जो प्रेस नोट है, उस प्रेस नोट में शैक्षणिक सत्र को अप्रैल से जनवरी माह तक ही दिखाया गया है, जबकि सच्चाई यह है कि बिहार के सरकारी विद्यालयों का शैक्षणिक सत्र अप्रैल से लेकर के मार्च माह तक क्या होता है, उनके द्वारा दो माह की गिनती ही नहीं की गई है। फरवरी और मार्च में भी हम बच्चों को पढ़ाते भी हैं और बच्चों से परीक्षा भी लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनके द्वारा हवाला दिया गया कि श्रावणी मेला के दौरान विद्यालय बंद रहते हैं। क्या बिहार के सभी विद्यालय बंद रहते हैं? उनके द्वारा कहा गया कि भिक्षण के कार्य में जाते हैं, बोर्ड परीक्षाओं के दौरान जो है विद्यालय सेंटर के रूप में उपयोग किए जाते हैं। क्या बिहार के सभी प्रारंभिक विद्यालय बोर्ड परीक्षा के दौरान जो है सेंटर बनाए जाते हैं? क्या बिहार के सभी नियोजित शिक्षक जो है भिक्षण के कार्य में चले जाते हैं? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बिहार में बोर्ड परीक्षाओं के दौरान जिन शिक्षकों की ड्यूटी पड़ती है, जिन विद्यालयों में ड्यूटी पड़ती है, मात्र उतने ही शिक्षक उसमें इन्वॉल्व होते हैं। बाद बाकी प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षक अपने विद्यालय भी जाते हैं और बच्चों को अध्ययन अध्यापन का कार्य भी करवाते हैं। शिक्षा विभाग के द्वारा इस तरह का लगातार रवैया शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का कार्य है और यह शिक्षकों के साथ साथ बच्चों के मनोबल को भी गिराने का कार्य कर रही है। 220 दिन आप आंकड़ा उठा करके देखेंगे, मैं विगत 10 वर्षों से शिक्षक हूं और 10 वर्ष के दौरान हरेक वर्ष शैक्षणिक सत्र अप्रैल से लेकर के मार्च तक में कुल कार्य दिवसों की संख्या 230 न्यूनतम और 240 250 दिन तक होते हैं। इस तरह से बिहार की जनता को जो है गुमराह करने का कार्य किया जा रहा है।